सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी बुद्धम सरण गच्छामि। दर्शन होगा। मैं सुधीरदास सिंह सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो समर संघ के जो संकार उत्सव है उसका जो विधि है वो उसको निभाए, उसके बारे में कहे। और अभी हमको सबको शांत तरीके से सुनना है, तो इसलिए संकार विधि के बाद वो अपना रिप्लाई देंगे, ये अपनी तरफ से बात कहेंगे कि इसका क्या हुआ, किसी ने क्या किया। तो सुधीरदास सिंह सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। एक जन उनके परिवार से, जो रतिलाल देसाई सर हमारे संत हैं, उनके परिवार से एक जन आ जाएं। दो लोग गुजरात से आ जाएं जो उनके साथी हैं, जो सीनियर साथी हैं गुजरात से, और दो लोग जो बाहर से आए हुए हैं संघ से, वो लोग आए हैं। पांच लोग चाहिए। ऊपर आ जाइए यहाँ। दो लोग बाहर से, जो गुजरात के बाहर से हैं, दो लोग गुजरात से और एक उनके परिवार से। परिवार से इसलिए क्योंकि परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने अपने परिजन को संत के लिए समाज को दिया है। और गुजरात से इसलिए क्योंकि गुजरात उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। और बाहर से इसलिए क्योंकि वो राष्ट्रीय संत होने जा रहे हैं। पांच लोग। मैं पूरे जो समण यहाँ संघ बैठा हुआ है, मैं उससे अनुमति चाहूंगा कि वो इस संखार विधि को करने के लिए, क्योंकि संतों की संखार विधि संत ही करते हैं, पर ये हमारे पहले संत हैं, इसलिए संघ करेगा। तो पूरे संघ से मैं अनुमति चाहूंगा कि वो अनुमोदन दे और इस बात की अधिकार दे कि ये जो पांच लोग हैं उनका संखार करा सके, साधु साधु करके उसको अनुमोदित करें। समण संघ, जो समण संत परिवर्त है, सबसे पहला संखार होगा हमारा, जो एक परिवर्त है, क्योंकि संत को हम एक परिवर्त देते हैं जो चारों तरफ से लपेटता है, वो परिवर्त लाया जाए। दो लोग उस परिवर्त को सम्मान के साथ लेके आए, गुजरात के दो लोग सम्मान के साथ परिवर्त लेके आए। परिवर्त इसलिए होता है क्योंकि कपड़ा जो होता है वो संत की वेशभूषा संत के मन को बताता है। तो ये सफेद रंग का, ये क्या बात है, माइक मेरे हाथ ही गड़बड़ कर देता है। तो ये परिवर्त सफेद रंग का है और बड़ा है, इसको सम्मान के साथ आगे से लेके आए। और पांचों हमारे जो संखार कराने वाले लोग हैं वो इसको, हमारे जो संत हैं वो खड़े होंगे अपने स्थान से और उनको आराम से सम्मान के साथ धीरे धीरे करके पहनाया जाए। इसकी वीडियोग्राफी करें और फोटोग्राफी करें और सबको दिखाई दे, आगे से ऐसा ना हो कि जगह घेर ले, सबको दिखाई दे। कटके सर, बुद्धन सर को अच्छा बोल सकते हो आप? मैं कहूंगा मेरे साथ आप लोग बोल सकते हैं। आपने कहना है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि तृतीयम्पि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, साधु साधु साधु। हो गया। ये जो परिवर्त है, ये परिवर्त इस बात का है कि ये कपड़ा समाज ने उनको दिया है, क्योंकि अब संत समाज के हैं और ये एक सा ही रहता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, शरीर का सारे अंग इसमें छुप जाते हैं। ये सफेद रंग का होता है, इसमें जो ये तीन रंग हैं ये संघ के रंग हैं।
पीला रंग है इसमें सावधानी का, काला रंग है संत अंधकार से हमको निकालेंगे, और लाल रंग का मतलब है कि वो संखार करेंगे, जो समाज एक तरह से परिवर्तित नहीं हुआ है उसको परिवर्तित करेंगे, संखारित करेंगे। दूसरा हमारा संखार है समर्ण संत सत्थक दंड गहन संखार। दो हमारे जो संघी हैं वो समर्ण सत्थक दंड को बहुत सम्मान के साथ लेके जाएंगे वहां तक, और वहां उनको अर्पण करेंगे। ये सत्थक दंड हमेशा उनके साथ रहेंगे, ये बाध्यता नहीं है, 11 प्रकार का होता है, जैसे चाहे वो लेके जाए, दो लोग लेके जाए, जाइए करके सर। दो नहीं आप, हाँ आप आ जाओ नीचे, हाँ आ जाओ, हाँ तीन लोग आइए, तीन आइए चार आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं रहो, परिवार के लोग यहीं रहो, आप आ जाओ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि। साधु साधु। अब समण संत पंचशील जानन तंतु संस्कार होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मुख्य हमारा संस्कार है, संखार है, क्योंकि इसमें वो एक एक करके पांच शील स्वीकार करेंगे, और एक एक मोमबत्ती जैसे जैसे स्वीकार करते जाएंगे जलाते जाएंगे। ये मोमबत्ती और माचिस लेके आए और एक एक धागा, सबसे पहले उनके परिवार से एक व्यक्ति आएंगे और वो उनको एक पंचशील देंगे। कट के सर, सबसे पहला सील दिलाओ, पढ़ाती पाते फिर उन्होंने, वो बोलेंगे साथ में ना, उनको माइक देना है और एक धागा बांधेंगे। हाँ पहला एक सील होगा, उसमें धागा बांधेंगे, उसके बाद एक मोम जलाएंगे, फिर दूसरा सील बोलेंगे आप, फिर कोई दूसरा कराएगा, दो गुजरात के लोगों से, दो बाहर के लोगों से और एक परिवार के लोगों से। नहीं हुई, हो गई, कितनी जलाएंगे? पांच जलाएंगे, पहले धीरे धीरे करके नहीं जलानी, नहीं अभी आप नहीं जलानी, अच्छा जलाएंगे तो वहीं जाएंगे वो, आप सिर्फ पहले लगा दो। दो भाई है ना, तो जाओ ना, जाओ हाँ तो भाई वही मिल जाएगी बाबू, हम बोलते जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बुला लो उसे, छोटे बच्चों एक 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 जला लो ना, पहले एक एक से बाद में जल जाएंगे। चलो हाथ में जलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, जले तो हाथ में जला लो। मैं बोलूँगा आप उनको धागा बांधना, ठीक है ना, जब पहला संकार हो जाए तो धागा ज़्यादा होना, बड़ा नहीं नहीं, इसे काटो मत अभी, कैंची ले लो, काटो मत,
वो कहाँ पहनना चाहेंगे उनसे पूछ लेना, हाथ में कमर में यहाँ। एक काम करो, जो हाथ में लेके एक छोटी मोमबत्ती ले आना चाहिए हमेशा। अब छोड़ो ना, पहली बार ऐसे ही होता है। हाँ ये साइड में ले लो, पंखा चल रहा है ऊपर से, यहाँ से हटा लो, ऊपर ले जाओ उसे, चलो एक एक करके जला लेना। हाथ में पकड़ लो इसे, हाथ में, हाथ में ले लो, वैसे नहीं आ रही, वो ठंड की वजह से नहीं चिपक पा रही है। एक एक जलवा के वहां अलग से हटा लेना, एक उनको दे दो पहले, एक जल कटोरी। चलो मार जी, उसे भेजा दो, जगह दो एक, भेजा दो, चलो ले जाओ। नहीं वो जलाएंगे, पाणाति पाता वेर्मणि सिक्खा पदं समादयामि। ये पहला बोलिए, आप भी बोलिए, आप बोलिए कि मैं अकारण हत्या नहीं करूंगा ऐसी शपथ लेता हूं, मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा ऐसी शपथ लेता हूं, नहीं करूंगा ऐसी शपथ लेता हूं, मैं किसी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा ऐसी शपथ लेता हूं। पहला धागा बांधिए, पहला धागा, मुझे माइक दे दो, इतने मैं बता दूं। पहला जो संखार है कि संत कभी भी कोई जीव हत्या नहीं करेंगे, उसका बंधन ले रहे हैं। एक ही धागा बांध रहे हैं सर, पांच बार अलग अलग बनेगा, पहला धागा एक बार, हाँ। और उन्होंने इसका लाइटअप भी किया है, यानी कि प्रकाश भी किया है कि वो ऐसा शपथ लेते हैं। दूसरा है काटना है, हाँ एक काटना है, पांच बार बनेगा। एक मिनट दादा, दूसरा संखार है अदिन्न दारा वेर्मणि सिक्खा पदं समादयामि। आप कहिए कि मैं कोई भी चोरी कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। इसका दूसरा बंधन भी वो बांध रहे हैं, ये शपथ दे रहे हैं कि वो कभी भी कोई चोरी नहीं करेंगे। अदिन्न दान का मतलब है बिना दिए कोई वस्तु नहीं लेंगे। मूसा वादा वेर्मणि सिक्खा पदं समादयामि। झूठ झूठ मिथ्या नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा।
कामेसु मिच्छाचारा वेर्मणि सिक्खा पदं समादयामि मैं कोई व्यभिचार नहीं करूंगा जीवन में, मैं कभी भी व्यभिचार नहीं करूंगा। सुरा मेरे मज्ज पवादिठारा वीरमणि सिखा पदं समादयामि नशे की किसी प्रकार के नशे कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा। माइक रखिए अपने पास, मैं शपथ बोलूंगा आप शपथ लेंगे। अब सब लोग नीचे आ जाइए। दंड यहाँ ये टूट जाता है, इसको पकड़ के खड़े रहिए या तो पकड़ के अभी हो गया। हाँ खड़े रहो, कोई दिक्कत। अब हाँ हाथ में पकड़ लो, इनको दे दो। अब राष्ट्रीय समर संत की जो शपथ है वो होगी, और जैसे ही शपथ संस्कार हमारा पूरा होगा उसके बाद में आप सब लोग खड़े होके और यहाँ उनको स्टैंडिंग ओवेशन यानी सम्मान देंगे, और समर संत नमामि तीन बार यहाँ होगी, उसके बाद फिर समर संत वाणी होगी, उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद में फिर आप फोटो सेशन उसके पहले भी करा सकते हैं, बाद में भी दूरी रखते हुए। बोलिए जैसे मैं बोलूँ। मैं नाम बोलिए। समण रतिलाल देसाई पुत्र श्रीमंती समण, श्रीमंती समण माता का नाम, माता का नाम कुंजी बहन वे श्रीमंतु समण, श्रीमंतु समण सेवा भाई अपने पूर्व समण संतों को, अपने पूर्व समण संतों को सखी मानकर यह शपथ ग्रहण करता हूँ कि मैं जीवन पर्यंत समर धम के अनुसार समर संत का कार्य भार निभाऊंगा वे सभी विनयशीलों का पालन करूंगा। साधु। खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे अपने संत को। तीन बार बोलेंगे समण संतंग नमामि, जो हाथ जोड़ सकते हैं समण संतंग नमामि। आज से पूरे समण समाज ने संत रतिलाल देसाई सर को, जो अवसर नहीं है संत हैं, राष्ट्रीय संत घोषित किया, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय संत हुए, ऐसा है। अब वो समण संत वाणी करेंगे, आप लोग बैठ जाएं, धैर्य से सुने, और उसके बाद फिर कार्यक्रम में भोजन होगा, फोटो सेशन होगा और कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने बैठ जाइए, आपकी सभी की ये जिम्मेदारी है कि अपने समण संत को अपने यहाँ अपने कार्यक्रमों में बुलाएं, उनकी मान्यता को बढ़ाएं, खुद भी मान्यता पाएं, क्योंकि जिनके समण संतों को हम अपने समण संतों को मान्यता देते हैं तो बढ़ती है। आपका संबोधन है बुद्धं शरणं गच्छामि।